नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सुबह शाम का हल्का फुल्का नाश्ता। और इतना ही नहीं, इसे आप बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ना तो कोई तेल का यूज करने वाली हूँ, तो ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है। और ये इंस्टेंट बनने वाला नाश्ता है, जब भी आपको कभी जल्दी में कुछ खाना हो या भूख लगी हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए अप्पम की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनने वाली है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसके बनाने की विधि के बारे में बात करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रूपम और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। यहाँ पे अप्पम बनाने के लिए मैं आधा कटोरी सूजी ली हूँ, आप चाहे मोटा है बारीक सूजी कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जितना मैं सूजी ली हूँ उसका हाफ मैं दही ली हूँ। अब इसे मैं मिक्सी जार में सूजी को और दही को मैं डाल दूंगी। ये देखिए, अब साथ में ही नमक इसमें डालूंगी स्वाद के अकॉर्डिंग, और साथ में पिंच ऑफ शुगर थोड़ा सा, और साथ में ही थोड़ा सा पानी जाएगा, जितना कंसिस्टेंसी इसका रखना है थोड़ा सा पानी इसमें डालना और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए कंसिस्टेंसी आपकी ऐसा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला होना चाहिए ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें आधा चम्मच इनो हम डालेंगे, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा पूरा झाग सा यहाँ पे तैयार हो गया है, इंस्टेंट फर्मेंटेशन इसका हो जाएगा। ये देखिए जाली भी बनना शुरू हो गया है। इसी तरह हम इसे मिला लेंगे अच्छे से और 5 से 7 मिनट तक इसे रेस्ट में रहने देंगे। जब तक इसको मैं रेस्ट में रखती हूँ तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ, जो कि अप्पम के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पे मैं मूंगफली को मैं 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लूंगी और उसका छिलका हटा के उसे मैं मिक्सी जार में उसे पीस लूंगी। यहाँ पे देखिए अब इसे मिक्सी जार में डाल दूंगी, साथ में ही एक हरी मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे 2 लहसुन की कलियां ली हूँ और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, जिससे टेस्ट काफी बढ़िया आएगा चटनी का हमारा। और यहाँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी लीजिएगा और थोड़ा सा पानी जितना आपको चाहिए पीसने के लिए, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी हमारा जो है ना ही पतला है ना ही गाढ़ा है, तो इसे आप भी थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा जिससे ज़्यादा स्वाद अच्छा लगेगा। और साथ में यहाँ पे करी पत्ता और राई का छौंक लगा दी हूँ, ये छौंक लगाने से चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब हम चलते हैं पैन को चढ़ाते हैं। सबसे पहले पैन को हम प्रीहीट कर लेंगे, ज्यादा आपको हीट नहीं करना है, थोड़ा सा बस तवा को गर्म कर लेना है। अब इसमें एक डब्बू की सहायता से इसमें हम डालेंगे पूरा एक सीध में इसे डालेंगे, ये देखिए, और इसे लो फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट तक इसे पकाना है। इसमें धीरे धीरे हमारा जो जाला है वो बनना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे ही जो जाली है वो हमारा पूरा अच्छी तरह से अगर आ गया और ऊपर से पूरा वो ड्राई हो जाएगा और नीचे का जो सरफेस है वो उसे छोड़ने लगेगा, उसका जो तली है उससे वो थोड़ा सा ऊपर उठने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि आपका जो अप्पम है वो तैयार हो गया है बनके। ये देखिए जाली पूरी तरह से आ गया है और ड्राई भी हो रहा है। और साथ ही मैं एक और विधि से बताऊंगी आपको बनाना, तो देखते रहिए। आप चाहें तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं पूरा इसमें दिखा रही हूँ आपको कि कैसे बनाना है, और बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी बना सकता है इसे। ये देखिए अब हमारा ऊपर का सारा ड्राई हो चुका है लेयर और सारा जाली भी हमारा आ गया है। अब हम इसे पलट के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा नीचे से पक गया है, ये देखिए कितना सुनहरा ब्राउन हमारा कलर हो गया है इसका। अब ये पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है, अब इसे आप निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा जाली इसमें आ गया है,
ये देखिए, अब मैं दूसरी विधि से आपको बनाना बताती हूँ। तो सारा प्रोसेस वैसे ही करना है जैसे मैं पहले वाले बताई थी, बस अगर आप और चाहते हैं कि वो जल्दी बन जाए तो इसे ऊपर से आप ढक दीजिए, जिससे कि ये 3 से 4 मिनट में ना बनके 1.5 से 2 मिनट में आपका बनके तैयार हो जाएगा, तो हमारा समय भी कम लगेगा। तो आप जो चाहे, आपको जो आसान लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ढक के दिखाती हूँ, इसी तरह से आपको भी ढक देना है जिससे कि ये जल्दी बन जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर बन गया है ये, और इसके ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अब हमारा ये भी अपम बन के तैयार हो गया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो आप लोग इसे जरूर घर में ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी है। सबसे बड़ी बात कि इसमें ना ही कोई ऑयल का मैं यूज की हूँ, एक बूंद भी ऑयल का यूज नहीं की हूँ, विदाउट ऑयल का है ये। ये देखिए जाली कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे चटनी के साथ बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना है। देखिए मैं पीछे से भी आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी बनाना है। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसा बना है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है दोस्तों, आप लोग जरूर इसे ट्राई करिएगा। सुबह के नाश्ते में, टिफिन में आप कभी भी इसे खा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस रेसिपी की है तो की है कि इसमें मैं एक बूंद भी तेल का यूज नहीं की हूँ। और आज का जो समय है वो आप देख ही रहे होंगे कि तेल से भी कितनी तरह की बीमारियां यहाँ हो रही है। तो बेहतर है कि आप इस तरह की रेसिपी ही घर पे बनाएं ज्यादा से ज्यादा, जो कि बच्चों के लिए भी काफी हेल्दी है और बड़ों के लिए भी। तो आप लोग इसे घर पे जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।